लिसनर्स एंड व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट फहद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरी कहानी। और जनाब मेरी कहानी शो में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम वक्तन फवक्तन पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोगों को इन्वाइट करते हैं जो न सिर्फ अपनी जिंदगियों में कामयाबियों की राहों पर गामजन है, इसके साथ साथ और बहुत सारे लोगों के लिए वो मोटिवेशन का बायस है। उनकी जिंदगियां ऐसी हैं कि वो न सिर्फ खुद कुछ कर रहे हैं बल्कि कुछ ऐसा भी साथ साथ कर रहे हैं कि जिससे और बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा हो रही हैं, या उनका मिशन ऐसा है कि और जो है लोगों की जिंदगियों को सुधारा जा सके, उन लोगों की इस अंदाज में हेल्प की जा सके, उन लोगों की इस अंदाज में मदद की जा सके कि वो खुद किसी न किसी के काबिल हो जाएं। तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी नौजवानों के भी हमने इंटरव्यूज किए जो हमारे शोज में आए, उन्होंने अपनी जिंदगी कहानियां बयान की और बहुत सारे और लोगों को इंस्पायर किया और एक जो है वो उनकी शेयरिंग का जो असर हुआ उससे बहुत सारे और लोग जो है वो इस धारे में आना शुरू हो गए। बहुत सारी और स्टोरीज भी मेरी कहानी की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस पर मौजूद हैं। और इसी तरह से आज भी हमने अपने एक बड़े खास स्पेशल गेस्ट बिलाल बिन साकिब भाई को अपने साथ लाइव लिया है, हमारा लंदन सिटी यूके से हमारे साथ लाइव है। और थोड़ा सा मैं आपको बताता चलता हूँ बिलाल भाई के हवाले से, आप माशाल्लाह तैयबा ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं, ये तैयबा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या करती है, इसके मकासद क्या है, ये भी हम इनसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इनकी कहानी जानेंगे कि ये इन्हें हुआ क्या था कि ये इस फील्ड में आ गए और माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच गए। तो बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम आवर स्टूडियोस, कैसे हैं आप, खैरियत से? जी वालेकुम सलाम फहद, बहुत शुक्रिया आपका हमें इनवाइट करने का और हमें एक अपॉर्चुनिटी देने का कि हम अवेयरनेस रेज कर सकें कि तैयबा क्या कर रही है और बाकी लोग भी जो पाकिस्तानी लोग हैं वो किस तरह मोटिवेट हो सके। तो बहुत शुक्रिया बिलाल भाई आपने हमें ज्वाइन किया और हम सराहते हैं कि आपने स्पेशली हमारे शो के लिए टाइम निकाला। तो बिलाल भाई हम भी यही जानना चाह रहे थे कि हमारे जो लिसनर व्यूअर्स हैं खासतौर पर एक कम्युनिटी है स्पेशली जो जो है वो इस तरह के पॉजिटिव लोगों को सुनना चाहती है और उनके बारे में जानना चाहती है, तो हम तैयबा की तरफ भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो तैयबा के पीछे छुपा किरदार है माशाल्लाह बिलाल भाई हैं, ये हुआ क्या था आपकी जिंदगी में, जरा थोड़ा शेयर कीजिएगा अपना पिछला जो अरसा गुजरा बचपन से लेकर के यहाँ तक अब कैसे पहुंच गए माशाल्लाह। बचपन से तो वो तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी बचपन से, लेकिन अगर हम तैयबा फोकस रखें तो मैं अफ्रीका में बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल करता रहा हूँ, मैंने कोई 26-27 मुल्क फिरे हैं और अफ्रीका में ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका फिरता रहा हूँ, जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह काफ़ी गुर्बत है, लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात हैं। तो वहाँ से हमें इंस्पायरेशन मिली इस प्रोडक्ट की जो हमने पाकिस्तान में अब डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर किया है जिसको हम H2O व्हील कहते हैं। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि ये एक चीज़ हो रही है जिसको हम पाकिस्तान लेके आ सकते हैं और भी दुनिया के मुल्कों में हो रही है जिससे हम लोगों की जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। सही सही, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई इस वजाहत के लिए और बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो बड़े मुख्तसर अंदाज में अपनी तो थोड़ा बैकग्राउंड भी बता दिया। और हम भी अब जानना चाहेंगे कि ये तैयबा ऑर्गेनाइजेशन के पीछे इंस्पायरेशन क्या थी, क्यों आपने इसकी बुनियाद रखी और करंटली किस नहज पे आप काम कर रहे हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ये जरा तफसील आगाह कीजिएगा सुनने और देखने वालों। तो तैयबा की बुनियाद के पीछे ये था कि हम चाह रहे थे कि वो लोग पाकिस्तान में जिनको पानी का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में पानी से वाटर किल्स मोर पीपल इन पाकिस्तान देन टेररिज्म, तो इतना बड़ा पाकिस्तान का मसला है, रोज 630 बच्चे मरते हैं पाकिस्तान में पानी की वजह से, एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा आदमी मरता है। तो उसके अलावा पाकिस्तान का पाइप्ड वाटर जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि सिंध में, बलूचिस्तान में, लोअर पंजाब में बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पे औरतें और बच्चों को एक तावील फासला तय करना पड़ता है रोज सिर्फ पानी के लिए, वो मटकों में और बोतलों में जाके कुओं से या कोई जो दरिया होगा, जो रिवर होगा, वहां से जाके पानी लेके आते हैं। तो आप ये खुद ही सोच लें कि यार ये अगर हमें रोज करना पड़ेगा, मतलब हमारे तो घर में 5-5, 6-6, 7-7 कुएं हैं, जो एक नलका है वो हमारे लिए तो कुआं ही है, तो हमें तो ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो हम चाहते थे कि हम इस मिजरी को किसी तरह ओवरकम कर दें।
इसलिए हमने फिर ये एक पहिया डेवलप किया जिसमें 40 लीटर पानी आ जाता है, और ये हम अभी थर पार कर गए हुए थे 2 हफ्ते पहले, जहाँ पे हमने 290 सील्स डिस्ट्रीब्यूट किए थर पार्कर के कुछ इलाकों में, और वहां पे लोग जो थे वो बहुत खुश और उनकी जिंदगी में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें नजर आया। सही, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया इस जो है मालूमात से आगाह करने के लिए बिलाल भाई। तो जैसा कि आपने बताया कि आप मुख्तलिफ जो है वो मुल्कों में भी विजिट कर चुके हैं और पाकिस्तान में भी आपका खास फोकस है, तो बहुत सारे लोग यकीनन चाहेंगे कि वो आपके इस मिशन का हिस्सा बने किसी भी तरह से, तो किस तरह से लोग रीच आउट कर सकते हैं, किस तरह से वो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं, आपके इदारे के URLs, आपके पर्सनल प्रोफाइल्स और सोशल मीडिया के रिसोर्सेज, आप ये सारे शेयर कीजिएगा हमारे सुनने देखने वाले। जी जी बिल्कुल, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि हम जो है ना, हमारी जो टीम है तैयबा की, वो एक स्टूडेंट लेड टीम है। हम वो पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, किंग्स कॉलेज लंदन, UCL लंदन, इंपीरियल कॉलेज के जो दुनिया की टॉप नॉश यूनिवर्सिटीज हैं बर्तानिया में, हम उनके स्टूडेंट्स हैं और ग्रेजुएट्स हैं। तो हम मिलके ही, हमने वॉलंटरली, इसमें से हम कोई सैलरी नहीं लेते, कोई एक्सपेंस नहीं लेते, बल्कि ये हम अपनी जेब से अपना टाइम भी और अपने पैसे भी लगा के इस नोबल कॉज के लिए हम कर रहे हैं। तो हमें ज़रूर लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और बेशक वो सोशल मीडिया पे हो या बेशक वो डोनेशन की तरह हो, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो वो हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, तैयबा के नाम से है TAYABA ORG, और वेबसाइट भी यही है TAYABA.ORG, जहाँ पे वो जाके हमें, अगर जो जो हमारे साथ कोई वॉलंटरली काम करना चाह रहा है, कोई किसी को पता है कि कोई इलाके हैं ऐसे पाकिस्तान में, क्योंकि आपकी तो जो ऑडियंस की रीच होगी वो पूरे पाकिस्तान में होगी, तो वो हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग में भी हेल्प कर सकते हैं कि यार हम इस गाँव को जानते हैं, यहाँ पे आप लोगों को आना चाहिए, यहाँ पे पानी का बहुत मसला है। So we are, our door is always open for people who want to come and help. सही, तो मतलब कोई भी बंदा एज अ वॉलंटियर या कोई इदारा जो है वो कॉन्टेक्ट करना चाहे, कोलेबरेट करना चाहे, या किसी भी तरह से जो है कन्वर्सेशन करना चाहे, तो तैयबा के सोशल मीडिया के पेजेस या वेबसाइट पर रीच कर सकता है, वहां से सब जो है वो किया जा सकता है। ठीक हो गया बिलाल भाई, और आपका जो है वो एक हमें एक मैसेज भी दें हमारे यूथ के लिए, और स्पेशली यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कोई खास पैगाम दें मेरी कहानी के फोरम से, स्पेशली अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको पैगाम देना चाहें। जी, हमारा तो एम यही है कि हम हर उस गांव में, हर उस जगह पहुंचे जहां पे पाइप्ड वाटर नहीं है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बाद हम पूरी दुनिया में इसको लेके जाएंगे, और इसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारे टीम के मेंबर्स हैं जो अब हम इसमें एक वाटर फिल्टर लगाना चाह रहे हैं जो पानी फिल्टर करेगा। तो पानी का फादसा मसला क्या होता है कि पानी जो है, पानी लेके आना, क्योंकि पानी हैवी है, तो पानी सर पे रख के या घसीट के लेके आना 1-2 किलोमीटर, वो भारी पानी लेके आना, और फिर ला के उसको प्योरीफाई करना। तो ये दो बड़े मेन इशू हैं पानी के, और हम इस प्रोडक्ट में एक एंड टू एंड सॉल्यूशन देना चाह रहे हैं जिसमें हम पानी की ट्रांसपोर्टेशन इजी कर दें, और इसके साथ हम एक फिल्टर दें जो पानी फिल्टर भी कर दे। तो इसकी जो है जरूरत पूरी दुनिया में इसकी, जब जब भी डिजास्टर होता है, जब भी कोई फ्लड आता है, कोई अर्थक्वेक आता है, तो इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा मिशन है, और हम पानी के बाद, इसके बाद हम डिफरेंट और देखेंगे और क्या मेन नेसेसिटी इश्यूज हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं। यूथ को जो पैगाम देना है वो मैं यही दूंगा कि हर आदमी अपने लिए तो जी लेता है, लेकिन उसका क्या फायदा, रोज कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, आप अपना मार्क किस तरह छोड़ के जाएंगे, व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर। और ये मतलब रिमेम्बरेंस की भी नहीं है, इसका एक सेटिस्फैक्शन है कि आप जब देखते हैं, आप चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, आप देखते हैं कि यार हम कितनी चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और इसकी एक सेटिस्फैक्शन मिलती है जो इनवैल्यूएबल है, आप वो खरीद नहीं सकते।
तो ये जब आप करते हैं आप तभी समझते हैं। और हमें रिसेंटली अभी एक आदमी ने एक बड़ी जबरदस्त चीज बोली हमारी टीम को, क्योंकि हम ऑब्वियसली अपने डे टू डे चीजों के अंदर से टाइम निकाल के कर रहे थे। उन्होंने कहा यार कि अब आप अल्लाह के काम पे लगे हैं तो अल्लाह आपके काम पे लग जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं जो जो मुझे लगता है कि हमारी इतनी बड़ी यूथ है और हमें मिलके कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई कि आपने सारी बातें तफसीलन आगाह की और बड़ा अच्छा आपने मैसेज दिया कि इस तरह के जो काम हैं वो जो है वो अंदर से जो है वो होते हैं, दुखलों से नियत से होते हैं, और आप जब अल्लाह के कामों पे लगते हैं तो अल्लाह आपके कामों पे लग जाता है। बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जान के, स्पेशली जो है वो तैयब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान के और आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके। जाते जाते जो है वो हम आपसे अपने शो मेरी कहानी के हवाले से भी राय लेना चाहेंगे, आप हमें कोई मशवरा देना चाहें हमारी तस्हीह के लिए। सर आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप लोग इसी तरह करते रहें इसी मेहनत और जद्दोजहद से, और आप लोग लोगों को लोगों के जो अच्छे काम है उनको उनको आउटलाइन करें कि आजकल तो आपको पता है आजकल के जमाने में हर फालतू चीज तो फेमस हो रही है, लेकिन अच्छी अच्छी चीजें आप लोग लेके आ रहे हैं फोर फ्रंट पे जो लोगों को मोटिवेट करे, जो लोगों को इंस्पायर करे। तो अब आप लोग इसी तरह लोगों की कहानियां सुनाते रहे कि लोग आगे मोटिवेट हों अपनी कहानियां बनाने में। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपके अल्फाज हमारे लिए बायस एजाज हैं और ये चीजें यकीनन आप जैसे लोगों ही की वजह से ये शो आगे बढ़ रहा है, और हमें भी जो है वो आपसे जो है वो इन फ्यूचर भी हम कॉन्टेक्ट में रहेंगे, आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। और मजीद बिलाल भी कुछ रह गया हो कुछ एट द एंड ऐड करना चाहें, कुछ ऐसा जो आप इस पूरे इंटरव्यू में शेयर ना कर सके? नहीं, आई थिंक हमने प्रीटी मच सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब आपकी जो ऑडियंस है उसको हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें फॉलो करे, हमारे कॉज को सपोर्ट करे और दुआ करें कि हमने ये जो एक मिशन अपने सर ले लिया है अल्लाह ताला इसमें हमें हिम्मत दे इसको पूरा करने के लिए। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने जो है वो हमारे शो के लिए टाइम निकाला और हमारी नेक ख्वाहिशात हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और हमारा ताउन भी मेरी कहानी की पूरी टीम आपके साथ है। इंशाल्लाह जो है वो हम लोग इन फ्यूचर इन कॉन्टेक्ट रहेंगे, और जहाँ पे जो है वो आपको मेरी कहानी की जरूरत होगी मेरी कहानी वहाँ पे अवेलेबल है, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और इस तरह के अच्छे कामों में मजीद जो है वो अल्लाह करे कि आप तरक्की करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, आपने सुनी है बातें जनाब बिलाल बिन साकिब की, आप हमारे साथ लंदन यूके से लाइव थे, और माशाल्लाह आप एक पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं और आप जो है वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तैयबा ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, सारी आपने बातें अपने इस इंटरव्यू में शेयर की, और साथ साथ आपकी जो सोशल मीडिया की डिटेल्स हैं स्पेशली तैयबा के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप सारे देख सकते हैं, हमारी लोअर थर्ड और डिस्क्रिप्शन में डिटेल सारी हमने डाल दी हैं, आप वहाँ से जो है वो देखिए फॉलो कीजिए, और अगर आपको लगे कि इनका मिशन जो है वो इस नहज पे है कि आप जहाँ पे उसे सपोर्ट कर सकें तो जरूर कीजिए। और भी बहुत सारी आपको स्टोरीज मिलेंगी www.merikahani.org पर और facebook.com/merikahani पर। तब भी मुझे इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।